हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आते रहेंगी। सो गाइस, आज का मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो हमें दो व्यू दिए हैं, इन दो व्यू से हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। टोटल लेंथ जो है 84 है, ये पोर्शन हमारा 12 का है, यहाँ से ये पोर्शन 12 का है, ये पोर्शन 12 है और ये भी 12 है। ये वाला पोर्शन 84 mm से हम इन्हें प्लस करके इसे माइनस करेंगे, इस पोर्शन की लेंथ निकल आएगी 36 mm। हाइट यहाँ से यहाँ 42 mm है और ये 12 mm की हाइट है। विड्थ हमारी 42 mm है, ये 15 mm है और ये भी 15 mm है। इस पोर्शन की जो लेंथ है वो 84 mm है। तो गाइस, अब ड्रॉ करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। सो गाइस, सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट की लेंथ 84 mm है और ये 12 mm, यहाँ से यहाँ 12, ये भी 12, ये भी 12, हाइट यहाँ से 12 है और टोटल हाइट 42 है। सबसे पहले हम 84 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री पे। अब ये 12 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे दोनों साइड से। अब ये वाला पोर्शन 12 mm लेंगे दोनों साइड से। इसके बाद 84 का सेंटर निकालेंगे 42 पे, ये हाइट हमारी 42 होगी। अब ये वाला पोर्शन बनाने के लिए हमें सेंटर से 18 mm इधर लेंगे, क्योंकि ये 36 है हमारा। अब हम ड्रॉ करेंगे साइड व्यू। साइड व्यू की जो विड्थ है 42 mm है। ये पोर्शन 12 है तो ये भी 12 है, यहाँ से यहाँ 15 है और ये भी 15 है, जो यहाँ 100 है। इन कॉर्नर से 15 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे। सो गाइज, किसी भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक बनाने के लिए हमें इन व्यू से हमें लेंथ, विड्थ और हाइट प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम
कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक व्यू बना सकते हैं। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।